है, डब्ल्यू ओ एम ए एन, और फीमेल के गर्भ में भी मेल है। अंग्रेजों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन मजेदार है। तो स्त्री संघायते स्यायते, फिर शब्द हमें नारी, नारी सशक्तिकरण, बहुत पॉपुलर हो चुका है। अब नारी जो स्वयं जन्म देती है, नारी जो अपने गर्भ में पालती है, और बालक बालिका जन्म लेने के बाद भी स्त्री ही तो सब कुछ करती है। अब समय आ गया है कि उस स्त्री को, उस नारी को सशक्त किया जाए, उसकी रक्षा की जाए। ये गंभीर बात है, और हमारे आज के समय में विशेष रूप से नारी, मैंने पूछा तो री दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है, अदरवाइज न अरी, जिसका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन ये दीर्घ री है। तो नर की सह धर्मचारिणी, ऐसा मुझे बताया गया। अब ये सह धर्माचार बहुत उपयोगी शब्द है। मैं कभी कभी सोचती हूं कि सनातन पद्धति के विवाह में, संस्कार में, विवाह संस्कार में फेरों, मंगल फेरों के बाद सप्तपदी, एक एक पद के अलग अलग वचन एक दूसरे को दिए जाते थे, और सह धर्म निभाना, एक रथ के दो पहिए। लेकिन असलियत क्या है? एक पहिया जमीन में धसा हुआ, एक पहिया चलने की कोशिश करे। तो सहधर्म पुरुष को भी उतना ही निभाना है जितना स्त्री को सहधर्मचारिणी बन के निभाना है, नर नारी। फिर शब्द आता है महिला, महियते इति महिला, शी हु इज प्राउड, शी हु नोज हु शी इज। उसका गलत अर्थ निकाला जाता है कि बहुत प्राउड है, बड़ी ऊंची नाक है, बहुत बोलती है, वगैरह वगैरह। लेकिन महियते, जो महान, जो प्राउड है, ये मैं जानती हूं मैं कौन हूं, ये जो भाव है अद्भुत है। और चौथा जो शब्द है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बताना पड़ेगा, अबला, जिनमें बल नहीं। हमें तो सबला चाहिए, हम सब सबलाएं बैठी हैं। तो अबला न कह के, क्योंकि अबला शब्द बहुत प्रचलित हो चुका था, सबला शब्द अब हमें प्रचलित करना है, समय आ गया है। और इसीलिए आज की कथा का शीर्षक दिया है स्त्री, सिंपल स्त्री। काफी मैंने देखा है पुरुषों को और महिलाओं को भी स्त्री बोलने में दिक्कत होती है। तो स्त्री यानी रास्ते पे चलती, इधर उधर की, नो कैलिबर, नो क्लास, नो एलिगेंस, ऐसा कुछ नो। याद रखिएगा, स्त्री वो है जो जन्म देती है, स्त्री वो है जो पालती है, और स्त्री ही चकत चलाती है। दैट इज द वुमन वी आर टॉकिंग अबाउट। इसीलिए सबसे पहले देवी का आह्वान किया, देवी की उपस्थिति हम सब में हो, प्रत्येक क्षण हो, भवो भव हो, इसी कामना के साथ मैंने आज की कथा कहने का, शेयर करने का निर्णय लिया। अब तरह तरह की स्त्रियां, लेकिन अभी एक और जानकारी मिली, अद्भुत है,
जिन्होंने करीब 25 वर्षों से अध्ययन रिसर्च किया है और उनका शायद काफ़ी सोशल मीडिया में आ रहा है, बड़े ध्यान से मैंने 3-4 बार सुना, तो हम लोगों की आदत हो गई है, अरे वो संस्कृति हमारी 5,000 साल पुरानी है। अरे 5,000 क्या है, चना मुरमुरा है। सनातन संस्कृति 5,000 वर्ष, जो सरस्वती नदी की सभ्यता, सरस्वती नदी का पट 22 किलोमीटर का, सतलज वगैरह नदियां आके मिलती पश्चिम की ओर, और वो सरस्वती नदी पर्वत से हिमालय से लेके समुद्र तक वो एक नदी गुप्त हो गई। लेकिन पता चला है 7,000 वर्ष लगभग पूर्व महाभारत हुआ, उसके एस्ट्रोनॉमिकल जोडियाकल सारे मिल रहे हैं साक्ष्य। उसके 7 वर्ष पहले रामायण, और उसके 7 वर्ष पहले कम से कम ऋग्वेद। तो कहते हैं कि 20-21 हजार वर्ष का तो यूं और भी हो सकता है। तो वो ऋग्वेद की जो दर्शन करने वाले ऋषि, और मैं जानबूझ के ऋषि का नहीं कहती हूं, मुझे उससे थोड़ी चिढ़ है। क्यों? देवी, देविका, अंबा, अंबिका, तो डिम्यूनिटिव जब हो जाता है, मैं शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो समझ में आया, ऋषि तो ऋषि है, उसमें ऋषि का, स्त्रियों को ऋषि का क्यों कहना? दे हैव द सेम दर्शन। उनकी ऋचाएं लोपा मुद्रा हो, चाहे वाच हो, चाहे कोई हो, तो इन्होंने जो देखा और वो देखने के बाद अंदर से जो आवाज उनकी उठी, वाणी प्रस्फुटित हुई, वो जैसे वाच ऋषि थी, कहते हैं कि उनके पिता भी जंभृण्य ऋषि थे, लेकिन वाच स्वयं ब्रह्मज्ञानी थी। और जब आपको ये अनुभव हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तो जो दर्शन, ऋचा